इसीलिए भगवान श्री राम शायद सबसे व्यापक रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि सुख का देवता तो कोई भी हो सकता है प्यारे, दुख के देवता तो केवल राम है। पैर में चोट लगे, वेदना लगे तो बाप बाद में याद आते हैं, राम पहले याद आते हैं। क्यों आते हैं, कारण क्या है उसका? कहा कारण यह है कि जिन वेदनाओं से जीव गुजर रहा है शायद परमात्मा होकर के उन कंकरीले पथरीले और इन यातनाओं से मेरे प्रभु भी गुजरे हैं। तो जो यातना से गुजरा रहता है ना, उसको दूसरे का दुख पता चलता है। जाके पग नहीं फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। शायद भगवान श्री राम ने 14 वर्ष तक कंकरीले पथरीले जमीनों पर चलकर और जिन दुखों का अनुभव किया है, शायद वो दुख मेरे जीवन में पड़े और वाणी कराह उठे, नयन सजल हो जाएं और एक बार राम निकल जाए तो राम को बताना नहीं पड़ेगा कि वेदना कितनी है। राम जी उस वेदना को समझते हैं, क्योंकि राम जी उस मार्ग पर स्वयं चले हैं। एक राजकुमार को गुरु जी के पास भेजा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। गुरु जी के पास राजकुमार को रखा गया, पूरी शिक्षा पूर्ण हो गई। जब विदाई का समय हुआ ना, तो सारी शिक्षा देने के बाद गुरुदेव ने राजकुमार को उठाया कोड़े और कम से कम पीठ पर 10 कोड़े मारे, पूरी पीठ लाल हो गई। राजकुमार वापस गए, राजा ने जब पीठ देखा राजकुमार का तो कोड़ों से लाल तिलमिला उठा। बुलवाया गुरुजी को, गुरुजी आपको मैंने भेजा था शिक्षा देने के लिए, कौन सी शिक्षा है? तो गुरुदेव ने कहा कि आपके बालक को संपूर्ण शिक्षा तो दे दिया था, लेकिन कोड़ा मारने पर चोट कितना लगता है इसका एहसास नहीं दे पाया था। कल के दिन ये राजा बनेगा और राजा बनने के बाद जब किसी अपराधी को सजा देगा और कहेगा कि इसके अपराध के बदले इसको कोड़े मारे जाएं, तो कम से कम राजकुमार को इतना पता हो कि कोड़े मारने से वेदना कितनी होती है। अगर वेदना का ज्ञान नहीं है तो फिर वो तो किसी को भी कोड़े मारने का उपदेश दे सकता है। शायद भगवान श्री राम कंकरीले पथरीले जमीनों पर चलकर और जीवन के उन समस्त अनुभूतों को अनुभूत किया है, इसलिए हमारी वेदना हो तो भगवान को वेदना का परिमाप बताना नहीं पड़ता है कि कितनी वेदना हो रही है। भरत जी ने जब उन कोल की रातों, कोल भिल्लों की बातों को सुना, भरत जी के नेत्र सजल हो गए कि इन सब अनर्थ का कारण मैं हूं। पूरी सेना तो चलती, पूरी व्यवस्था तो चलती है, लेकिन भरत के जितने पैर चलते हैं शायद भरत के नेत्रों के आंसू भी उतने ही चलते हैं। भगवान श्री राम ने जब सुना भरत आ रहे हैं, तो भगवान ने कहा धरती से, सुनो देवी, अपने इन पृथ्वी से कंकड़ और पत्थर को हटा दो, मेरे भैया भरत के चरण में एक भी कंकड़ और एक भी कांटे गड़ने नहीं चाहिए। तो मानो पृथ्वी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, जब आप आए थे तब आपने ये आदेश नहीं दिया। सबसे कोमलांगनी तो मैया किशोरी हैं जो आपके साथ आई, और फिर भी आपने धरती से मुझसे ये नहीं कहा कि कंकड़ पत्थर नहीं लगने चाहिए। अपने लिए आपने ये आदेश नहीं दिया तो क्या भरत आप सबसे ज्यादा कोमल है क्या कि आप मुझे आदेश दे रहे हो कंकड़ पत्थर नहीं गड़ना चाहिए? राम जी ने कहा ऐसी बात नहीं है धरती। फिर कहा अगर एक भी कांटे भरत के चरण में गड़ गए तो भरत मेरे तक नहीं पहुंचेगा, उसका प्राणांत हो जाएगा,
सोचेगा ऐसे कितने कांटे मेरे प्रभु के चरण में गड़े होंगे, अब उनका दर्शन नहीं करूंगा, मैं तो अपना प्राण यहीं दे दूंगा। इतनी वेदना हुई होगी मेरी वजह से, लेकिन अगर एक भी कंकड़ नहीं गड़ेगा, एक भी कांटे नहीं गड़ेंगे, थोड़ी धूप भी नहीं लगेगी, तो शायद भरत मुझ तक चला आएगा और सोचेगा कि मेरे राम को भी मार्ग में कोई वेदना नहीं हुई। और यही कारण है कि इन दो यात्राओं को करने वाले लोगों का भजन भगवान को स्वयं करना पड़ता है। एक चित्रकूट की यात्रा करने वाले भरत की और दूसरा त्रिकूट की यात्रा करने वाले हनुमान जी की, इन दोनों का भजन भगवान को करना ही पड़ता है। और परमात्मा कहते हैं कि कोई ऐसा बन जाए तो भजन करने के लिए तैयार हूं मैं, मुझे भजन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतनी व्यापकता उस जीव के जीवन में आनी चाहिए। संपूर्ण व्यवस्था लेकर के भरत राम की ओर जाते हैं प्रेम के लिए, और भक्ति का उपदेश और भक्ति की खोज करने के लिए परमात्मा के उस खोई हुई जो एक अभिन्न शक्ति है, जिसको हम कहते गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, फिर भी उस भक्ति की स्थापना के लिए हनुमान जी की यात्रा है और प्यारे जीव की भी एक यात्रा है। हम सब यात्री ही तो हैं, पर यात्रा करके जाना ही है कहीं ना कहीं। भाई 100 वर्ष का जीवन है, कितना दिन यहां रहना है, इसके बाद भी तो कोई गति होगी, लेकिन यहां रहने की इतनी तैयारी करते हैं, वहां जाने की भी कोई तैयारी है क्या? और प्यारे वहां जाने की जो तैयारी है वो केवल अध्यात्म और ज्ञान की तैयारी है, भक्ति और उपासना की तैयारी है, क्योंकि कफन में जेब नहीं होता। जितना भी समेटोगे एक तिनका भी साथ जाने वाला नहीं है, और जाना तो जाना, अगर चाहे भी ना तो घर वाले नहीं जाने देंगे। अंत में सारे वस्त्र उतार कर फेंक दिए जाते हैं, और वस्त्र फेंक दिए जाएं वो तो ठीक है, लेकिन तुमको प्रेत मानकर तुम्हारे परिवार के लोग पिंड दे करके अपना पिंड छुड़ाते हैं। इस पर विचार करो जरा। और कहते क्या है, कहा राम नाम सत्य है। हमको लगता है कि सब लोग जानते हैं कि राम नाम सत्य है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई कहता है क्या? किसी के विवाह में आप जाओ और जाकर के कहो भैया राम नाम सत्य है, क्या कहेगा? कहेगा महामूर्ख है, इसको बोलना नहीं आता। ऐसी जगह पर, मंगल जगह पर राम नाम सत्य कह रहे हो। अच्छा ध्यान से सोचो, मन से सोचो कि क्या विवाह के स्थान पर राम नाम सत्य नहीं है, असत्य है? वो तो त्रिकाला सत्य है ना। अच्छा कहीं शुभ कार्यक्रम हो रहा है वहां जाकर के कह दो। तो जीवन के किसी क्षण में जब तक सांस है तब तक किसी से कहो राम नाम सत्य है वो मानेगा क्या? हमारी विडंबना तो ये है प्यारे कि राम नाम जो त्रिकाला बाधित सत्य है वो हम जिंदों को नहीं मुर्दों को सुनाते हैं। किसी जिंदे को नहीं सुना सकते, किसी की हिम्मत नहीं है सुनाते। किसको सुनाते हो? मुर्दे को। और कदाचित वो मुर्दे में कहीं जान आ जाए और तुम कहो राम नाम सत्य है तो क्या दशा करेगा तुम्हारी? तो जो त्रिकाला बाधित सत्य राम नाम है वो हम जिंदों को नहीं मुर्दों को सुनाते। क्यों? क्योंकि यही मना स्थिति है जीव की। किसी को कह दो कि तुम कुत्ते हो तो प्राण ले लेगा, और कह दो तुम शेर के बच्चे हो तो प्रसन्न हो जाएगा। दोनों हैं तो पशु ही, कुत्ता भी पशु शेर भी पशु,
लेकिन अगर किसी को शेर कह दो तो प्रसन्न हो जाता है, किसी को कुत्ता कह दो तो नाराज हो जाता है। और ये सारे जितने संबंध हैं प्यारे, ये केवल क्षणिक हैं। जैसे ही ये सांस बंद हुई ना, तो जितनी व्यग्रता घर में बुलाने की होती है उतनी ही व्यग्रता घर से निकालने की होती है। मुर्दा हो गया, बाहर करो, बाहर करो, रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? का सांस बंद हो गया। रहने के लिए सबसे अंदर का कमरा, और सांस निकलते ही सबसे बाहर पटक दिया जाता है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु को संवारने की ही कथाएं ये भगवान की होती है। सत्यता का ज्ञान और सत्यता का बोध ही शायद मृत्यु के पार जाने का एक कारण कहा गया है। क्योंकि चार दिना की प्रीति जगत में, चार दिना के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। और जब हम पहुंचते हैं अंतिम में श्मशान में, तो वो भी कहता है आओ आओ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। प्यारे, तुम्हारी असली जगह तो यही थी जहां आने में जीवन गंवा दिया। असली जीवन तुम्हारा यही था जहां आने में जीवन गंवा दिया, और जिन लोगों के लिए जीवन गंवा दिया उन्होंने मिलकर तुझे यहां जला दिया। ये जीवन की सत्यता है प्यारे, और इस सत्यता को याद रखा जाए और शायद अपनी यात्रा निरंतर रूप से बना करके तैयार रखा जाए। और हमारी पहचान किसी शहर में हो ना, तो उस शहर में यात्रा करने में भय नहीं लगता। कोई जानने वाला है तो स्टेशन पे खड़ा रहेगा लेने के लिए, क्या दिक्कत है। और शायद भक्ति पूजा आराधना ज्ञान विज्ञान कथा प्रवचन सुनते सुनते हमारा संबंध परमात्मा से हो जाए, और मृत्यु के समय मुस्कुराते हुए परमात्मा दोनों बाहें फैलाकर खड़ा हो, जीव छोड़ इस संसार को, आ जा मेरे धाम को, शायद उसकी मृत्यु उसी समय महोत्सव बन जाएगी। फिर हम सर्वथा भय से मुक्त हो जाएंगे। कब? जब हमारा संबंध परमात्मा से हो जाएगा। इसलिए साधक कहता है अपनी यात्रा आज से ही बनाने की आवश्यकता है।